ये देखिए, ये अभी अलबेक वालों की गार्लिक सॉस और अलबेक वालों का लेग पीस। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे केचप इस तरह से और इसको टेस्ट करेंगे। आज फिर कंपैरिजन होने जा रहा है ताजज विद अलबेक और इस खूबसूरत जगह पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ साजिद रहमान एंड खुश आमदीद आपको एक खूबसूरत वीडियो में। तो भाई आज हम मुकाबला करने जा रहे हैं अलबेक का वो ताजज ब्रोस्ट के साथ। तो पहले आप वीडियो को शुरू से यहाँ तक देखें कि हमने कैसे परचेज किए हैं ब्रांच पे जाके, ठीक है, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनको पता होगा और जो लोग उमरे पे या हज पे जिन्होंने सऊदी अरेबिया विज़िट किया हुआ है उनको भी पता होगा कि सऊदी अरेबिया का सबसे मशहूर जो ब्रोस्ट है वो अलबेक। तो मेरा भी हमेशा फेवरेट और पसंदीदा फूड वो है अलबेक। मुझे लगा कि ताजज जो अलबेक की टक्कर में आ सकता है, तो इसी के हवाले से ना आज अलबेक और ताजज का मुकाबला करने जा रहे हैं। पहले सबसे हम आगे अलबेक पे, यहाँ से हम अलबेक खरीदेंगे। अच्छा भी अलबेक हमने ले लिया, ठीक है, इसमें सिर्फ हमने ब्रोस्ट लिया चिकन ब्रोस्ट और साथ में एक मरिंडा लिया हमने जो 3 पैक मरिंडा का और एक कॉकटेल सॉस क्योंकि मेरी फेवरेट कॉकटेल सॉस है यहाँ से। तो नंबर हमारा आया भी 791, ये देखिए टिकट नंबर, और यहाँ पे चल रहा है 775। चलें भी, अपना जो ऑर्डर था वो रिसीव हो गया। तो आज फिर मुझे अलबेक लेने में 7 से 8 मिनट लग गए हैं। तो 7 से 8 मिनट मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको इतने टाइम में अलबेक मिल जाता तो कोई मतलब के देर नहीं है, तो वरना बहुत दफ़ा ऐसे भी मेरे साथ हुआ कि एक एक घंटा में लग जाता है अलबेक लेने में, ठीक है। तो आज भी इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अलबेक वालों की एक चीज़ मानना पड़ेगी यार, क्या आप किसी भी कहीं भी ब्रांच पर चले जाएँ तो माशाल्लाह जो है इनका जो हाइजीन सिस्टम है ना, सफाई सुथराई का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। जो सेल्समैन होते हैं जो अलबेक यानी सर्व कर रहे होते हैं उन्होंने भी जो है ना ये पूरे जेंटलमैन बने होते हैं, कैप और मास्क वगैरह लगाया होता है, और जो अंदर फ्राई कर रहे होते हैं उन्होंने भी माशाल्लाह जो है ना हर चीज़ जो है लगाई होती है, ग्लव्स और ये वो सारी चीज़ें जो भी ज़रूरियात की होती हैं, तो ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगती है और इन्वायरमेंट वहाँ का अलबेक वालों के पास बड़ा माशाल्लाह अच्छा होता है। तो चले भाई अभी चलते हैं हम लोग ताजज पे, ताजज से जाके फिर लेते हैं ब्रोस्ट। चलो भी मैं पहुंच गया अभी अलताजज पे, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे जो है ना ताजज का ब्रोस्ट। गलती से मैं जा रहा था फैमिली सेक्शन में तो हमें जाना यहाँ पे। अच्छा भाई अलताजज पे भी हमने ऑर्डर दे दिया है, यहाँ से हमने लिए हैं 4 पीस ब्रोस्ट चिकन ब्रोस्ट और साथ में हमें पेप्सी मिली है, ठीक है, 26 रियाल की। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे अभी 2-3 लोग हैं, तो नंबर हमारा चल रहा है ऑर्डर 16 और वहाँ पे आई थिंक कुछ 12 या 13 चल रहा है। चले भाई अलताजज से भी हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया, यहाँ पे भी मुझे 5 से 7 मिनट लग गए। तो यार इनकी पैकिंग वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगी है माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त भाई। इसके अंदर यार एक बड़ी मेन चीज़ जो मैंने देखी है ना जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसके अंदर जो रोटी डाली है उन्होंने वो बिल्कुल जो तंदूर से ताज़ी बना के डाली है उन्होंने, वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त, इसका वाकई मज़ा आएगा। अभी चले गए हम उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने इसको टेस्ट करना है और मुकाबला करना है दोनों का। तो चले अभी चलते हैं हम वहाँ उस जगह पे। क्या यार नेचुरल देखें ग्रीनरी है ज़बरदस्त, वो सामने आपको समंदर भी नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, और यहाँ पे हम बैठेंगे। अच्छा तो आपने देखा है कि हमने दोनों को अलबेक और ताजज को कैसे ब्रांच से जाके परचेज किया है। सऊदी अरेबिया में अगर आप किसी भी सिटी में हैं तो ये दोनों होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं अलबेक की जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप मंगवा सकते हैं और अलताजज भी इसी तरह से आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो हमने जाके ब्रांच से परचेज किया है। सबसे पहले भाई हम अलबेक को अनबॉक्स करेंगे, इसका बिल जो है ना वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि मुझे जो अलबेक का ब्रोस्ट है वो 17 रियाल में मिले। इस तरह से हमारा टोटल जो बिल बना था यहाँ पे वो बना था 21 रियाल, ठीक है। अलबेक का जो बक्स होता है वो इस तरह से होता है, देखिए ये देखिए माशाल्लाह। उसके बाद साथ में हमें मिली है ये गार्लिक सॉस, 2 पीस हमें मिले हैं ये, और 2 ही हमें मिले हैं ये केचप के साशे। ये जो हमने कॉकटेल सॉस अलहदा से ऑर्डर की थी
जिसकी अलग से आपको पेमेंट करना पड़ती है। और ये मरिंडा नो डाउट यूनिक है भाई, मुझे कहीं और से पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान से ही वाली मरिंडा नहीं मिलती, ठीक है। तो ये भी बड़ी मज़े की रहती है। तो ये साथ में जितना ब्रोस्ट का मज़ा आता है उतना ही मज़ा इस मरिंडा का आता है। तो ये हो गया भाई अलवेग अनबॉक्स, और ये आ गया अल्ताज़ज। ये मिला हमें 26 रियाल का, ठीक है। सबसे पहले भाई ये देखो, हाय हाय, ये देखो भाई ये रोटी जो बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे तंदूर पे ताज़ी बना के हमें दी है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इसके अंदर रोटी के कितने पीस हैं? तो इसके अंदर है और तीन, ये 5 पीस हमें दिए उन्होंने रोटी के, जिसको यहाँ पे खुबस बोलते हैं। और ये बड़ी शानदार चीज़ अभी माशाल्लाह। और ये आ गया इनका चिकन ब्रोस्ट, हाय 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 ज़बरदस्त भाई, ओए होए होए होए, ये देखें यार, वाकई आज ताज़ा जो है ना वो टक्कर देने जा रहा है अलवेग को माशाल्लाह। ये इनकी आ गई सॉस, ये गार्लिक सॉस है, ठीक है, ये भी, और ये स्पाइसी है। ये देखें 2 साशे मिले हमें कैचअप के अल्ताज़ज वालों से। तो इस तरह से 26 रियाल का हमें मिला ये अल्ताज़ज, और अलवेग हमें मिला था 21 रियाल का। ये सारी चीज़ें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं भाई, जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो अल्ताज़ज है ना, जैसे कि नाम अल्ताज़ज, तो इनकी हर चीज़ ताज़ा रहती है। जो चिकन है वो भी बिल्कुल ताज़ा रहता है इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोटी जो है ना मेरी आंखों के सामने उन्होंने बनाई है। तो इसी तरह से जो चिकन है वो भी इनका फ्रेश रहता है, फ्रेश चिकन से ये रोस्ट बनाते हैं। जो कि अलवेग है ना वो आई थिंक इस तरह से नहीं है। अल्ताज़ज का जो ये देखें, ये वाला चिकन का जो थाई का पीस है ना, ये देखें किस तरह अंदर से यार, हाय 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 ज़बरदस्त, सही क्रिस्पी चिकन है यार। और इनके भी मसाले देखें अंदर किस तरह से यार, ओए ओए ओए, ये देखें, और अंदर से देखें किस तरह से जूसी है माशाल्लाह। तो ये इनकी बड़ी शानदार और कमाल की चीज़ है। इसको पहले हम टेस्ट करेंगे किस तरह से, किस तरह से बगैर किसी सॉस और किसी भी चीज़ के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सही क्रंची है यार, मुंह में जब लुकमा लिया ना तो जो उसका क्रंच पड़ना ना माशाल्लाह वो फील हुआ। और स्पाइसी भी सही है माशाल्लाह, सही जो मसाले हैं ना उनका टेस्ट ज़बरदस्त है। इस तरह से केचप के साथ, हाय 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 हाय, और इनकी जो गार्लिक सॉस है तो इसको इस तरह से, आ हा हा हा, ये देखें, क्या शानदार ब्रोस्ट बनाया उन्होंने माशाल्लाह। बहुत सारे मैंने ब्रोस्ट खाए हैं यार, लेकिन माशाल्लाह जो इसका क्रंच पड़ना है, जो क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है ना, ज़बरदस्त है यार, ताज़ज माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो इसकी रोटी है ना ये देखें माशाल्लाह, 5 पीस इन्होंने रोटी के दिए हैं मुझे भी। तो इस रोटी के साथ इस तरह लेते हैं और इसके अंदर देखें इस तरह से चिकन भरते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने 2 ये फ्राइज़ के पीस डाल दिए, और ये देखें इस तरह से केचप डाली थोड़ी सी, और ये गार्लिक सॉस थोड़ी सी डाल दी, और इसको ऊपर से इस तरह से बंद करके ना, ये देखें अल्ताज़ज वालों के पास है क्वालिटी यार माशाल्लाह। जो मैंने इमेजिन किया होता उससे कहीं ज़्यादा माशाल्लाह अल्ताज़ज जो है ना टेस्ट दे रहा है। ताज़ज हमने टेस्ट किया, ठीक है, जो ताज़ज वालों की रोटी के साथ और वैसे उनकी सॉसेस के साथ। सॉस के बारे में बताता चलूँ, ये स्पाइसी जो है ना मेरे ख्याल में जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्पाइसी है, ठीक है, सही स्पाइसी है यार। तो ये हमने 2 पीस इनके टेस्ट किए हैं, तीसरा सिर्फ हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। जो चेस्ट का पीस रहता है ना, ये चेस्ट है, तो ये देखें यार माशाल्लाह किस तरह से अंदर स्पाइसेस है बिल्कुल अंदर तक माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये हो गया अल्ताज़ज का जो चिकन था। फ्राइज़ इनकी जो है ना वो देखें
सही मोटी वाली फ्राइज़ है, और इसकी भी हम टेस्ट करते हैं कि कैसी है। फ्राइज कोई इतनी क्रिस्पी नहीं है। अल बेक को टेस्ट करने से पहले हम जो अल ताज़ज़ का टेस्ट है ना वो अपने मुंह से ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमें एक जो घूंट है वो लगाना पड़ेगा पेप्सी का, जो हमें अल ताज़ज़ वालों से मिली है। माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, इसको जो नंबर दूंगा मैं वो 10 में से 9 नंबर दूंगा यार। कमाल का इन्होंने जो चिकन बनाया हुआ माशाल्लाह, क्रंची भी है, स्पाइसी भी, और अंदर से सही जूसी है माशाल्लाह ज़बरदस्त, और इनकी जो रोटी है वो भी बाग कमाल है, तो इसने सही मज़ा दिया। अब नंबर आ गया भाई जो अल बेक का, जो कि सऊदी अरेबिया का सबसे मशहूर और सबसे खाने जाने वाला जो ब्रोस्ट है वो है अल बेक। कोई भी हाजी उम्रे वाला या कोई भी आता है सऊदी अरेबिया में वो अल बेक ज़रूर टेस्ट करता है, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो हफ्ते में एक बार तो खा ही लेते हैं। मैं तो ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कोई रह नहीं सकता ये खाए बगैर। अभी हम टेस्ट करते हैं इसको। जो पीस हमने अल ताज़ज़ का टेस्ट किया था थाई वाला, वही हम अल बेक का ओपन करेंगे। ये देखें, यह जो अल बेक का थाई वाला पीस, इसके ऊपर जो ये भी क्रिस्पी है वैसे यार माशाल्लाह, देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये देखें ये भी जूसी है, और इसके भी मसाले देखें। आह हाहा, अलबेक की जो खुशबू है यार बाकमाल है माशाल्लाह, आपको खुशबू से ही मोहब्बत हो जाती है। इसको भी हम पहले बगैर किसी सॉस और किसी भी चीज़ की टेस्ट करेंगे। ये भी सही क्रिस्पी है, क्रंची है, लेकिन अलताज़ जो है ना अलबेक की नस्बत ज़्यादा क्रंची है। वो आप जब लुकमा लगाते हैं उसका तो सही क्रंचपन जो है ना वो फील होता है आपको, जबकि अलबेक इतना क्रंची नहीं है, लेकिन अलबेक ताज़े से ज़्यादा स्पाइसी है। अब हम जो इसका लेग पीस है ये टेस्ट करेंगे इनकी सॉस के साथ। ये देखिए, ये भी अलबेक वालों की गार्लिक सॉस और अलबेक वालों का लेग पीस। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे केचप इस तरह से, और इसको टेस्ट करेंगे। आंखें बंद कर लो और दिमाग से जो है ना टेस्ट को फील करो। ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह ज़बरदस्त दोनों। तो अलबेक वालों ने भाई जो है ना हमें दिया था इस साथ में ब्रेड, तो ये भी हम खोल के हम आपको दिखा देते हैं इनका जो चेस्ट वाला पीस है। ये देखें, आह हाय हाय हाय, ये देखें माशाल्लाह, क्यों ना मुँह से पानी आ जाए यार बगैर खाए। तो ये इनका अलबेक वालों का जो चेस्ट का पीस, और फ्राइज जो है ना इनकी थोड़ी सी छोटी है और बिल्कुल देखें सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, फ्राइज का तो कोई इतना कोई टेस्ट नहीं है इनका, लेकिन एक हम अभी लुकमा लगा के ब्रेड के साथ चेक करेंगे। और ये हमने ली अपनी फेवरेट सॉस, जो कि मैं अलहदा से हमेशा पे करके लेता हूँ। ये अलबेक की कॉकटेल सॉस है ना, ये वाली अलबेक के मज़े को दुबाला कर देती है, दुगना कर देती है माशाल्लाह मेरे करीब, तो इसलिए मैं हमेशा ये वाली सॉस लेता हूँ। ताज़ज़ को मैंने दिए हैं 10 में से 9, और अलबेक को भी मैं आज 10 में से 9 ही दूंगा। ठीक है, तो वाकई ताज़ज़ जो है ना वो अलबेक की टक्कर का है। ठीक है माशाल्लाह, अलबेक तो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रोस्ट है सऊदी अरेबिया में, लेकिन ताज़ा जो है ना वो भी किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। दोनों का अपना एक टेस्ट है और दोनों अपनी जगह पे बहुत ही बेहतरीन है। अलबेक की भी लास्ट वाली चीज़ है वो है जो इनकी मरिंडा। ठीक है, ये तो वैसे अलबेक की अपनी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ ये सऊदी अरेबिया में मिलती है। दूसरी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसके मुकाबले में इसका टेस्ट माशाल्लाह डिफरेंट है, यूनिक है, तो इसका भी एक गूंद लगाना पड़ेगा। मज़ेदार। तो ये थी आज की वीडियो भाई,
तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज तक की वीडियो से मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन इसी तरह की वीडियो लेके हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।